Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome back to Shaigan Learning Forum. In continuation to our previous lecture about the pharmacology, where we discuss the two divisions of pharmacology, that is pharmacokinetics and pharmacodynamics. In pharmacokinetics, we study, हमने उसके चार phases हमने discuss किए थे, जो कि absorption, distribution, metabolism and excretion. जब ये चारों phases जब हम ये चारों फेजेस डिस्कस करते हैं तो साथ साथ कुछ फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कुछ पैरामीटर्स हैं जो रोनमा होते हैं. सपोज़ जब ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है तो इट नीड्स टू एब्जॉर्ब. व्हेन इट रेडिली एब्जॉर्ब इनटू द जनरल सर्कुलेशन, हेयर द ड्रग, द फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड प्लाज्मा इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी. दवाई जो है एडमिनिस्टर होने के बाद जब वो ब्लड प्लाज्मा में अवेलेबल होती है, यहाँ जो उसका फ्रैक्शन है, जो उसका एक्सटेंट है, जो वो रेट है, वो कहलाता है बायोअवेलेबिलिटी. बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है ड्रग के डोज के ऊपर, इसके अलावा ड्रग की फार्मूलेशन के ऊपर, उसके डोजेज फॉर्म के ऊपर. जितनी अगर हम डोज बढ़ाएंगे तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी. अगर हम ड्रग की फार्मूलेशन चेंज करेंगे, उसी के मुताबिक जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी है वो अफेक्ट करती है. इसी तरह जो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द बायोअवेलेबिलिटी. इसके साथ साथ इसी तरह अगर हम देखें तो बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है ड्रग फार्मूलेशन के ऊपर और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. सपोज़ कि ओरल ड्रग्स जितनी भी होंगी, उनकी बायोअवेलेबिलिटी 100% से लेस होती है, क्योंकि उन्होंने एब्जॉर्ब होना होता है, उसके बाद वो मेटाबोलाइज होते हैं, और एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के दौरान उनकी जो अवेलेबिलिटी है ड्रग की वो रिड्यूस हो जाती है. इसी तरह अगर हम देखें तो जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं वो डायरेक्टली इंजेक्ट होते हैं, एडमिनिस्टर होते हैं इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन. दैट्स व्हाई इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% रहती है. तो हम बायोअवेलेबिलिटी जो ओरल ड्रग्स हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं विद द डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, ड्रग फार्मूलेशन एंड द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम चेंज करें तो उससे हम उनकी पुअर बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके साथ जब ड्रग अवेलेबल हो जाता है इन जनरल सर्कुलेशन, तो हेयर यहाँ पर ड्रग जो है ब्लड में कुछ मखसूस प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, जो कि कहलाते हैं प्रोटीन बाइंडिंग. इस प्रोटीन बाइंडिंग में जो प्रोटीन्स दरकार होती हैं वो कहलाती हैं एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, और सम टाइम इट्स कॉल्ड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. यहाँ पर ड्रग जो है इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है व्हेन इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट साइट. यहाँ पर जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो ड्रग की एफिशिएंसी को या एफिकेसी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. जितनी ड्रग ज़्यादा प्रोटीन बाइंडेड होगी उतनी ही उसकी एफिकेसी लेस होगी, उतना ही वो लेस एब्जॉर्ब होगा, उतना ही वो लेस ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स इट्स टारगेट साइट, और इसके टोटल थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स जो होंगे वो लेस होंगे, और जितनी वो अनबाउंड जो ड्रग है अमाउंट की वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है वो शो करेगा.